हेलो एवरीवन, ए वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एन एकेडमी पर। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम विद एन एकेडमी। यह मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और पिछले 5 साल से SSC और RPSC के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 2015 से इस क्षेत्र में सक्रिय भी हूँ। क्रैक RPSC विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी। अन अकेडमी पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा। अन अकेडमी पे रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होगा आपको प्ले स्टोर में टाइप करना होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप, और उसके बाद हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप RPSC के कोर्स का चयन कर सकते हैं और अन अकेडमी से जुड़ सकते हैं। अन अकेडमी से जुड़ने के आपको यहाँ पर बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जिनमें से पहला है आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस की सुविधा। डेली लाइव क्लासेस में आप आपके एजुकेटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, सीधे बातचीत कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको क्लास में आता है तो वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मिलता है आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब है आपके सिलेबस का पूरा 360 एनालिसिस और पूरी प्लानिंग के साथ कंप्लीट कोर्स। यहाँ पर लाइव टेस्ट की सुविधा भी आपको मिलेगी वीकली। यहाँ पर लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ पर होती है, जिनमें आपको एनालिसिस करने का मौका मिलता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कितनी तैयारी आपकी बाकी है। अनलिमिटेड एक्सेस में मिलता है आपको। आप वीडियोस को अगर स्किप कर देते हैं, लाइव क्लासेस अगर छोड़ देते हैं, उस दौरान आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम आप इनको देख सकते हैं। RPSC सब्सक्रिप्शन यहाँ पर बहुत ही कम फीस स्ट्रक्चर में बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जिनमें से आपका 12 मंथ का कोर्स RPSC का, 1 साल का कोर्स जो है वो लगभग 7,000 रुपए का, और 2 साल का कोर्स मात्र 8,400 रुपए में यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। बात करें अगर डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट में मेरे नाम का एक छोटा सा कोड है Dilip10। अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो Dilip10 नाम का कोड अगर अप्लाई करेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे 1 साल का जो कोर्स है वो 7,000 रुपए वाला आफ्टर डिस्काउंट 6,300 रुपए और 8,000 वाला आपको 7,560 रुपए में यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। चलिए मुद्दा स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है मेरी 6 से लेकर 12 तक की क्लास का NCERT का जो मुद्दा है सफर है, मैंने शुरू किया है, जिसमें 6, 7 और 8 क्लास की हाफ NCERT का जो है मुद्दा सफर हम खत्म कर चुके हैं। 8 क्लास की NCERT का क्लास 8 का चैप्टर 7 हमारा अभी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं आपको आज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये अपने आप में एक पार्ट है, इसको मैं आज समझाने वाला हूँ। तो किस तरीके से यहाँ पर 8 क्लास में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये पार्ट दिया हुआ है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं, बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये चैप्टर अपने आप में इकोलॉजी का पार्ट है। मैंने कहा कि पर्यावरण पारिस्थिति का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो वहां से ये उठाया गया है। और किस तरीके से यहाँ पर चीजें समझाई गई है देखिए, देखते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जंतु और पादपों का संरक्षण, कहेंगे सर जंतु और पादप का संरक्षण, ठीक है, ये जो चीज है वो चीज आप यहाँ पर देख। स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी के बारे में, या हम कहें एनवायरमेंट ऑफ, देख लेते हैं सबसे पहले जुड़े कितने लोग हैं। विनीता, ललिता, नरेश, हेलो नरेश, स्वागत है आपका अकेडमी पर, कैसे हैं आप। विनीता स्वागत है, ललिता स्वागत है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा 8 क्लास का चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जिसका नाम है संरक्षण पादप और जंतुओं का, जंतु और पादप का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ या कंजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। नेचर इज ए बून टू अस, आपको सभी को पता है नेचर हमारी माँ है, एक तरीके से हमेशा हमें देती है, लेती कभी नहीं है, और हमें हमेशा देगी, ठीक है। तो हम कहें कि सर नेचर हमारे लिए एज ए मदर, ठीक है, जिसकी गोद में हम खेल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम कभी कभी जैसे माँ होती है ना अपन को सबक सिखाने के लिए, कभी झाड़ू वाड़ू देके मारती है आराम से, तो ये कभी कभी जैसे हमारी गलतियां, इंसान जब गलतियां करता है, कोई भी नेचर में एनिमल गलती करता है तो उसको सबक भी सिखा देती है, जैसे इस दौरान हमें 2020 में हमने सीखा है, ठीक है। वैसे सीखा तो नहीं है, हम तो नकते नहीं सीखेंगे, बट ठीक है, फिर ऐसा सबक आता रहता है, और ये सबक बड़े तौर पर आएगा तो सब कुछ खत्म भी हो सकता है, जिसको आप अभी प्रलय नाम देते हो। तो हमने कहा कि सर द नेचर इज अ बून टू अस, तो प्रकृति हमारे लिए सर एक वरदान है। द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। सब जिस पृथ्वी के जिस भाग में जिंदा जिंदा मतलब जीवित और अजीवित निर्जीव
उपस्थित है उसको आप जीव मंडल या बायोस्फीयर नाम दे सकते हो। तो इस पूरी अर्थ को आप बायोस्फीयर नाम देते हो, ठीक है। तो बायोस्फीयर क्या होता है, इसके बारे में, बायोम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये चीजें आगे आएंगी, ठीक है, जब मैं आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी अभी के लिए बस इतना समझिए आप कि सर ये जो धरती है, इस धरती के ऊपर जिंदा और अजीवित, मृत नहीं कहेंगे, ठीक है, जिंदा और मृत नहीं कहेंगे, कि मृत तो वो थे जो कभी जिंदा थे, ठीक है, मृत तो वो है जो कभी जिंदा थे। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं जिंदा हूं, जीवित हूं, और ये पेन मृत है, तो आप कहने का मतलब ये है कि कभी तो ये पेन क्या था, जिंदा था। तो आप ये कहो तो ज्यादा बेटर होगा कि मैं जिंदा हूं और ये निर्जीव है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग और डेड दोनों में अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड डेड। तो क्या हो गया, समझ में आ गया? तो हमने कहा कि सर पृथ्वी के जिस भाग पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको आप बायोस्फीयर नाम दे सकते हो, जैव मंडल या जीव मंडल आप उसको कह सकते हो। इट कंटेन्स ए ह्यूज वेराइटी ऑफ स्पीसीज लिव इन इट दैट इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, ठीक है। तो आपने कहा कि सर ठीक है सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो आपने कहा कि सर इस पूरे बायोस्फीयर में बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है सर, जिंदा और अजीवित जो है, अजीवित या निर्जीव, जीवित जो जीव है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे मान लीजिए मैं हूं और आप हैं, ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, आप कहेंगे सर जीवित है, ठीक है। आपके आसपास जो भी मकान बना हुआ है, मिट्टी है, पहाड़ है, ये सब क्या है, आप कहोगे सर ये निर्जीव है। लेकिन क्या आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, बिल्कुल जुड़े हुए। क्या आप दूसरे का एक दूसरे पर कोई भी असर आता है, इन्फ्लुएंस आता है, बिल्कुल सर आता है। मेरे घर के पास में पहाड़ है, ठीक है, या नदी है, या कोई भी झरना है, या कोई भी ग्लेशियर है, तो उसका असर मेरे पे आएगा, और मेरा असर, मेरे क्रियाकलापों का असर, मेरी एक्टिविटीज का असर भी उसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे हम एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, समझ में आया? तो द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द स्पीसीज एंड रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट टू सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो मैंने कहा कि सर मैं जो भी यहाँ पर काम कर रहा हूं, मैं सर जो भी यहाँ पर काम कर रहा हूं, ठीक है, मेरे जो भी रिलेशनशिप है मेरे एनवायरनमेंट के साथ, मेरे आपस में, मेरे हैबिटेट के साथ, मेरे आसपास के पर्यावरण के साथ, जो भी रिलेशन है, रिलेशन मतलब संबंध है, तो मेरा कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इस एनवायरनमेंट से, ठीक है। एनवायरनमेंट मेरे पे कोई ना कोई प्रभाव डालता है और मैं एनवायरनमेंट पे कोई ना कोई प्रभाव डालता हूँ। तो आप बोलोगे सर एनवायरनमेंट तो आप पे डाल सकता है प्रभाव, क्या आप कैसे डालोगे, आप कितनी औकात है कि आप एनवायरनमेंट पे डालो? तो बिल्कुल भाई साहब, हर एक चींटी जो है बिल्कुल तुच्छ सा प्राणी है अपने आप में, वो भी आपके एनवायरनमेंट पे असर डालती है, ठीक है। अगर वो लुप्त हो गई, वो विलुप्त हो गई, उसका भी असर किस पर आता है, एनवायरनमेंट पे आता है, ठीक है। एक मिट्टी का कण जो है ना, वो भी एनवायरनमेंट पे असर डालता है, किस तरीके से डालता है, उस रिलेशन को जानना, उस साइंस को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी का मतलब क्या है, इकोलॉजी का मतलब क्या है, क्या बोलते हो आप इकोलॉजी को? इकोलॉजी की रिलेशन आपने डेफिनेशन वगैरह पढ़ी होगी, पढ़ी है इकोलॉजी की डेफिनेशन आपने कभी भी? इकोलॉजी क्या कहती है कि कोई भी जीवित जीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट, उसके आवास, उसके एनवायरनमेंट और उसके बीच जो भी रिलेशन है, संबंध है। जैसे मैं कहूं कि एक शेर है जंगल में, तो पूरे जंगल और शेर के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। एक पूरे जंगल और हिरण के बीच में क्या संबंध है, अगर पूरे जंगल में हजारों एनिमल्स हैं, एक हिरण गायब हो जाए, एक हिरण गायब हो जाए, या एक कोई घास गायब हो जाए, तो उसका आपके पूरे एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा असर आता है, बहुत बड़ा असर आता है, समझ पा रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल, आज ताकि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाए। सॉरी मुझे थोड़ी सी कोल्ड हो रही है आज, थोड़ी सी नहीं वैसे तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, बट ठीक है। तो हमने कहा कि सर यहाँ पर देखो घास है, आपने बचपन में पढ़ा होगा घास, और सर ये एक टिड्डा, नाम सुना होगा आपने, ग्रास हॉपर, और सर इस टिड्डे को खा जाता है सर मेंढक, और सर मेंढक को खा जाता है सर सांप, और सर सांप को खा जाता है चील, या आप कहें सर मोर भी खा जाता है, ठीक है। तो
तो अब एक बात बताओ कि अब आपके इस पूरी श्रृंखला को आप फूड चेन नाम देते हो, क्या नाम देते हो? फूड चेन। गलती से मैंने क्या किया, इस टिड्डे को यहां से हटा दिया, इस टिड्डे को यहां से हटा दिया, एनवायरनमेंट से टिड्डा किसी वजह से गायब हो गया। गायब हो गया मतलब विलुप्त हो गया, ठीक है, विलुप्त हो गया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि घास को खाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि मेंढक डायरेक्ट घास नहीं खा सकता। अब मेंढक डायरेक्ट घास नहीं खा सकता तो मेंढक को क्या नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिला। और अब क्या हुआ, मेंढक का जीवन खतरे में। अब मेंढक का जीवन खतरे में, तो मेंढक को खाने वाला सांप, सांप क्या खाएगा? सांप का जीवन खतरे में, तो मेंढक विलुप्त, सांप विलुप्त, सांप विलुप्त, तो चील क्या खाएगी? ठीक है, तो देखो पूरी एक फूड चेन। चील के ऊपर मान लीजिए कोई और वैसे डिपेंडेंट नहीं होता, चीन तो आपका टॉप कंज्यूमर है, लेकिन फिर भी चील अगर विलुप्त हो गई तो देखो तीन, एक टिड्डे की वजह से इतनी तीन जातियां यहाँ पर विलुप्त हो गई। तो इसी तरीके से आप कहोगे कि सर हाँ, पूरे जंगल पे आप असर डालते हो, आपके क्रियाकलापों से डालते हो, आप इसकी वो आपकी उपस्थिति से डालते हो, ठीक है। तो इन सबको, इन सभी के अध्ययन को आप क्या कहते हो, इकोलॉजी कहते हो, हिंदी में क्या कहते हो, पारिस्थितिकी कहते हो। क्या कहते हो बेटा? पारिस्थितिकी कहते हो। बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो प्रजातियों के आपसी संबंध और जीवन का समर्थन करने के लिए पर्यावरण के साथ उनके संबंध को जैविक विविधता कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। दिस कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना इस चैप्टर को, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वापस मैं कह रहा हूँ आपको कि ये आरएस की तैयारी करने वाले, एसआई की तैयारी करने वाले, आपके रीट की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट मेरी क्लास में आएंगे उनके लिए बहुत ज्यादा, इनफैक्ट जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान से नहीं है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर वरदान है, ठीक है। तो नेचर अपने आप में वरदान है, लेकिन ये नेचर वाला जो चैप्टर है वो भी अपने आप में आपके लिए वरदान है, ठीक है, बून है। तो आपने कहा कि सर अब आगे बात कीजिए फालतू बकवास को छोड़कर, तो फालतू बकवास को छोड़कर हम आगे बात करें। मान लीजिए मैंने कहा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये इसका क्या है, पर्यावरण है, ये इसका पर्यावरण, जहां पर ये रहता है, जहां पर ये रहता है, ये क्या कहलाएगा, आवास कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा, हैबिटेट कहलाएगा, हैबिटेट, समझ में आया, हैबिटेट कहलाएगा। अब ये जो इसका फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, जैसे मेरा फिजिकल एनवायरनमेंट ये है, शेर का फिजिकल एनवायरनमेंट जंगल होता है, ठीक है, मछली का फिजिकल एनवायरनमेंट जल होता है। तो उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट और उसके बीच में, अब मेरे और इस फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में आपस में जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो आपसी बातचीत का मतलब यहाँ पर क्या है, बातचीत नहीं है, ये बातचीत नहीं है, ये इंटरेक्शन का मतलब है अंतर संबंध, ठीक है, अंतर संबंध। तो मेरे और इस एनवायरनमेंट के बीच जो भी संबंध है, उन संबंधों का अगर अध्ययन मैं करता हूं तो वो ब्रांच क्या कहलाती है, इकोलॉजी। और जिस एरिया में संबंध करता हूं, जैसे मैं संबंध का अध्ययन करूं, जैसे मैं कहूं कि सर जंगल में गया और जंगल में शेर और जंगल के बीच में मैंने क्या किया, शेर और जंगल के बीच में अध्ययन किया, ठीक है, उनके इन बीच में इंटरेक्शन का अध्ययन किया, तो जंगल अपने आप में क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। मछली के पास गया नदी के अंदर, तो नदी क्या कहलाएगी, इकोसिस्टम कहलाएगी। तो वो आवास, वो क्षेत्र जहां पर आप संबंधों का अध्ययन करते हो जीव के साथ, पर्यावरण का, ठीक है, तो वो जो जगह है वो जगह इकोसिस्टम कहलाएगी, वो क्षेत्र इकोसिस्टम कहलाएगा, वो एरिया इकोसिस्टम कहलाएगा। तो आपसे पूछा जाए पारिस्थितिकी, या हम कहें कि सर पारितंत्र या इको सिस्टम किसको कहते हो, तो पारितंत्र नाम सुना होगा आपने, इकोसिस्टम नाम सुना होगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये शेर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन मान लीजिए शेर है, तो ये शेर है और ये इसका जंगल है। जहां तक ये जंगल इसके ऊपर असर डालेगा, इंटरेक्शन करेगा, ठीक है, तो ये इस शेर और इस क्षेत्र के बीच में अगर आप अध्ययन करते हो तो उस अध्ययन को आप क्या कहते हो, इकोलॉजी, इकोलॉजी। और जिस क्षेत्र के बीच आप अध्ययन कर रहे हो, जितनी जितनी दूरी तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहा जाता है इको सिस्टम। क्या कहा जाता है, पारितंत्र। क्या कहा जाता है बेटा, पारितंत्र कहा जाता है। बस ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मेरा पारितंत्र ये है,
क्लियर जयपुर है, ऐसा मान लीजिए, किसी भी पैंथर के लिए, किसी भी जंगल, किसी भी शेर के लिए उसका पारितंत्र जंगल है, मतलब वो क्षेत्र जिसके बीच में आप इंटरेक्शन देख रहे हो, ठीक है। मोहित शर्मा जी सर कल से आरएस की मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं मोहित सर, कल से आरएस की क्लास लैब, मोहित जैसे ही, अच्छा कब लगेगी, आज शायद आपने टाइम गलत किया है, कोई बात नहीं, कब लगेगी टाइम टेबल बताओ, मैं आपको जल्दी टाइम टेबल बताऊंगा, अनाउंस कर दूंगा क्लास के बीच में जब फाउंडेशन कोर्स का, मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कोर्स की अभी, ठीक है, शायद आज इवनिंग तक आ जाए, एंड देन मैं कल तक आपको बता दूंगा सारी क्लासेस का कि कब हमारा फाउंडेशन कोर्स कब लॉन्च हो रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है ना लॉन्चिंग वगैरह में, सारी चीजें टीचर्स वगैरह को एडजस्ट करना और सारी चीजें, तो जैसे ही ये लॉन्च होगा तो आई विल इन्फॉर्म यू, इनफैक्ट हम सभी को इन्फॉर्म करेंगे, आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे, जो भी आरएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कोर्स आने वाला है, फाउंडेशन कोर्स आने वाला है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, उस कोर्स के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताया जाएगा, आप टेंशन मत लो मोहित, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, जैसे ही ये आपका आता है, लॉन्च होता है, तो इसका एड भी दिया जाएगा और इसके साथ में आपको बताया भी जाएगा, यूट्यूब पर मैं बताऊंगा, स्लाइड पर सारा टाइम टेबल वगैरह बताऊंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लो इस चीज की। हमने कहा कि सर ये शेर और इसके वातावरण, जिस वातावरण में ये रह रहा है उसी को आप क्या कहोगे सर, इकोसिस्टम या पारितंत्र कहा जाता है। चलो, हमने कहा सर डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉसेस, ठीक है, निर्वनीकरण और इसके कारण, तो आप कहोगे सर यहाँ पर निर्वनीकरण मतलब आपने पूरे जंगल का सत्यानाश कर दिया, पेड़ काट दिए, ठीक है, इसी प्रोसेस को आप डिफॉरेस्टेशन कहते हो, ठीक है, और इसके कारण क्या है, तो डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, इसके रीजन क्या है और ये होता क्या है, तो आराम से देख लो, बिल्कुल 8th क्लास के एनसीईआरटी से थोड़ा थोड़ा नॉलेज यहाँ पर आराम से ले लोगे, तो आगे जब इकोलॉजी, जब भेमार इकोलॉजी आएगी, पूरी एक्यूरेट इकोलॉजी आएगी पूरी छन छुना के, तो आपको समझ में आएगी कि हाँ सर ये टर्म्स तो आपने वहां पर बताई थी, इकोसिस्टम आपने वहां बताया था, इकोलॉजी वहां पर बताया था, निके क्या होता है, निकेत क्या होते हैं, बायोम क्या होते हैं, स्फीयर, जैव स्फीयर, मैं आप क्या कहेंगे हम, जैव मंडल क्या होते हैं, तो ये जब मैं आगे जाके जब बोलूंगा आपको तो आपको पता रहेगा इन शब्दों के बारे में, आप फ्रेंडली रहेंगे कि व्हाट इज फूड चेन, व्हाट इज फूड वेब, डिकम्पोजर क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, तो अब जब मैं डायरेक्ट इकोलॉजी के अंदर जब ये सारी चीजें पढ़ाने बैठूंगा तो आप बोलोगे सर इकोलॉजिकल पिरामिड तो हमारे जीवन में पहली बार सुना है हमने, ठीक है, तो ये चीज बाद में नहीं आनी चाहिए सर, ये तो सुना ही नहीं, इसीलिए आपका एनसीईआरटी कराने का जो मेरा मेन मुद्दा है वो यही मुद्दा है कि आप बस आने वाले टाइम पे, सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, क्या मैं आरएस की तैयारी कर सकता हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो बेटा आरएस की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आरएस की तैयारी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज निर्वनीकरण और इसके कारण, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ए फॉरेस्ट और कलेक्शन ऑफ ट्री फ्रॉम लैंड एंड देयर आफ्टर कन्वर्टिंग द लैंड टू नॉन फॉरेस्ट यूज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, इट हैज इम्पार्टेड डिवेस्टिंग, ठीक है, डिवास्टिंग या हम कहें इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बींग्स, एक जंगल को हटाने या एक भूमि से पेड़ों के संग्रह की प्रक्रिया, कि एक पूरा का पूरा जंगल था वहां से हमने पेड़ निकाल लिए सारे के सारे, उसको क्या किया हमने वहां से पेड़ निकाल लिए अपने अपने उपयोग के लिए, अपने उपयोग के लिए वहां से सारे जितने पेड़ थे हमने निकाल लिए, इसको निर्वनीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया मानव विनाश पर या हम कहें मानव पर विनाशकारी प्रभाव डालती है, ठीक है। मानव विनाशकारी प्रभाव क्या होता है कि आपके नेचर नेचर जो है जहां से आपने डिफोरेस्टेशन किया है वहां से बहुत ही एक गंदा इफेक्ट कहें कि बहुत ही बैड इन्फ्लुएंस आता है ह्यूमन स्पीसीज के ऊपर, कैसे, लाइक आपकी फ्लड, फ्लड इफेक्ट नाम सुना होगा आपने, फ्लड का, बाढ़ का, ठीक है, आपने मरुस्थलीकरण नाम सुना होगा, ठीक है, बारिश नहीं होती है, रेनफॉल नहीं होता है, तो डिफोरेस्टेशन के चक्कर में सॉइल इरिजन हो जाता है, भूमि बंजर हो जाती है, और मरुस्थलीकरण नाम सुना, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, डेजर्ट में बदल जाती है, तो ये सारे जो है आपके डिफोरेस्टेशन के थ्रू हो सकते हैं। नाउ इट इज विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन द नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स हैज ऑल्सो इंक्रीज, कॉन्सिक्वेंटली द नेचर इज सफरिंग, तो आपने देखा कि एक अभी इस दौरान नाउ इट इज मतलब आजकल बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या के साथ एक दिन आपकी, एक दिन में आपकी मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ गई है, तो आप देखोगे कि सर पहले के टाइम पे आपकी नेचर के अंदर हर चीज अवेलेबल थी, हाँ ठीक है, एक आदमी को बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी, लेकिन जैसे जैसे आपकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे पर डे
ह्यूमन जो उनकी आवश्यकताएं जो है वो बढ़ती जा रही है, और आवश्यकता के हिसाब से बोलते हैं ना, डिमांड और सप्लाई, सप्लाई नहीं है ठीक है। तो पहले जैसे बोलते थे कि आप एक आदमी आप मैक्सिमम पानी यूज कर सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही टंकी में 10 आदमी पानी यूज कर रहे हैं, और उसी टंकी में मान लीजिए एक आदमी यूज कर रहा है, तो एक आदमी के यूज करने के लिए टंकी मोर देन इनफ है, और 10 के लिए तो ये कम पड़ेगा, और थोड़े दिनों बाद 20 हो जाएंगे। तो पानी तो इतना ही है, रिसोर्सेस तो उतना ही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन हमने क्या कहा, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो आप क्या कहोगे सर कि उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जंगलों को काटना पड़ता है, रहने के लिए जगह बनानी पड़ती है, एंड ये सारी चीजें करनी पड़ती है ठीक है। तो आप कहोगे सर ये थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, तो इसका असर हमारे फॉरेस्ट पे भी आता है, नेचर पे भी आता है। मोहित, मनोज जी, ओके, ईश्वर, मैं एज 30 है, आरएस के लिए एलिजिबल हूं या नहीं? बेटा आपकी कास्ट क्या है, एससी में है, एसटी में है, या आप जनरल में है? ईश्वर जी, आप एससी एसटी जनरल किस से बिलोंग करते हैं आप, उसके हिसाब से बेटा ठीक है। वैसे आप अगर 30 हैं, 30 एज है, तो आप अभी तक तो एलिजिबल हैं, आप जी किसी भी कास्ट से हैं ठीक है, किसी भी से बिलोंग करते हैं, और फिर आपके पास एससी से हैं, तो आप तो वैसे मान लो आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 तक तो जनरल वाले भी दे सकते हैं ठीक है, 30 तक तो जनरल वाले ही दे सकते हैं, आप तो आईएएस का एग्जाम ही दे सकते हो, आरएस क्या ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से दो, भरपूर चांसेस आपके पास में, भरपूर है, पूरे पूरे चांस है आपके पास ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ह्यूज नंबर ऑफ ट्री आर बीइंग कट डाउन टू मीट द नीड फॉर इंक्रीज्ड लैंड फॉर हाउसिंग एंड फूड ठीक है। आपने कहा कि जैसे जैसे आपको जरूरत होती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है सर, भोजन की आवश्यकता पड़ रही है सर, रहने की आवश्यकता पड़ रही है, जगह चाहिए सर, घर बनाना है सर ठीक है, इनके लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, जंगल को काटना पड़ेगा, जंगल को काटना पड़ेगा। आपने देखा था आपके आसपास में कहीं ना कहीं कई खेत हुआ करता था किसी जमाने में जब आप छोटे थे, एंड देन आज उसकी जगह कॉलोनीज बस गई होंगी, आपने आपकी आंखों के सामने देखा होगा इन सब चीजों को। तो किसी जमाने जहाँ खेत हुआ करते थे, खेती होती थी, जंगल हुआ करता था, उस जगह वहां पर कट के कॉलोनियां कट चुकी है, बिल्डिंगे खड़ी हो चुकी है ठीक है। तो ये क्या डिफोरेस्टेशन ही है, इसको क्या कहोगे, डिफोरेस्टेशन है, इसका असर आ रहा है जंगल पे, इसका असर आ रहा है आपके एनवायरनमेंट पे ठीक है, आपके नॉर्मल पूरी नेचर के ऊपर। तो हमने कहा सर आवास और भोजन के लिए हमने क्या कर दिया, डिफोरेस्टेशन किया, पेड़ों की संख्या में कटौती कर रहे हैं लगातार हम ठीक है, जिससे बारिश नहीं हो रही है सर, बाढ़ आ रही है सर ठीक है। ट्री आर कट टू मीट द नीड ऑफ वुड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग पेपर फर्नीचर्स इन फूड इंडस्ट्रीज ठीक है। आपने कहा कि सर हम कट डाउन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, किसके लिए सर, हम कागज बनाने के लिए, हम फर्नीचर बनाने के लिए, हमारा गेट बनता है सर, हमारी जिस टेबल पे बैठे हैं वो टेबल बनती है सर, इसके अलावा हमारा फर्नीचर बनता है, और बाकी का ठीक है, और बाकी का फूड इंडस्ट्रीज के अंदर हम यूज कर लेते हैं सर, प्लांट्स का मेडिसिन पर्पज से हम यूज कर लेते हैं सर, इसीलिए बस हम हमारे स्वार्थ के लिए लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं ठीक है, बिना देखे हम काटते जा रहे हैं। देश बंधु, स्वागत है आपका अनअकैडमी पर। आपने कहा कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन, अब आप कहें कि इसके परिणाम क्या होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सर इसके ठीक है, डिफोरेस्टेशन के, कि हमने पेड़ को काटने को तो काट लिया, लेकिन इसके रिजल्ट क्या होंगे, हमने खेतों को काट काट कर सर वहां पर कॉलोनियां तो बसा दी, लेकिन इसके क्या होंगे, अमेजन को काट काट के वहां पर पेड़ गायब कर दिए, 19% पूरा का पूरा क्षेत्र था उसको 6% पर ले आए जंगल को, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके परिणाम क्या है सर। तो परिणाम आप सभी को पता है कि क्या परिणाम हो सकते हैं जब आप जंगलों को काटते हो, डिफोरेस्टेशन इम्पार्ट ठीक है, डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन नेचुरल बैलेंस ऑन अर्थ ठीक है, ऑफ अर्थ। तो डिवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन आर एज फॉलोज। तो आपने कहा सर निर्वनीकरण, वनों की कटाई जो है उसके कारण आपके प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, और मानव के ऊपर एक विनाशकारी प्रभाव, या आपके अर्थ के ऊपर, आपकी पृथ्वी के ऊपर एक विनाशकारी प्रभाव डलता है इस चीज से ठीक है। वो प्रभाव क्या है, वो निम्न है, इट लीड्स टू डिक्रीज इन द रेनफॉल एंड हेंस लोअर द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो सर आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में, 10-15 सालों में जो बरसात है, बरसात की दर काफी कम हो गई है, हमारे एरिया में बड़ी अच्छी बरसात हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे हमारे इधर बारिश नहीं होती है, रीजन क्योंकि हमने जंगल गायब कर दी है, तो जंगल गायब कर दी है तो वहां पर रेनफॉल जो है, बारिश का संकट यहाँ पर पैदा हो गया है ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि जंगलों की कटाई अगर है, जंगल गायब हो गए तो बरसात नहीं होगी ठीक है, और बरसात नहीं होगी तो जहां से बोरिंग, जो धरती माता का सीना चीर चीर के जो आप कुआ बनाते हो, हैंडपंप्स लगाते हो, समरसिबल बोरिंग लगाते हो, ट्यूबवेल लगाते हो, उनके अंदर पानी जो ग्राउंड वाटर होता है उसका आपका लेवल इंक्रीज नहीं होगा, तो धरती में पानी जाएगा ही नहीं, तो फिर कहाँ से निकालोगे ठीक है।
गहराई में जाते जाओ पानी मिलेगा ही नहीं आपको। तो बस यही बात है, ठीक है? आपने कहा सर ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म हो गया। दिस मे लीड टू सिचुएशन कॉल्ड ड्रॉट वेयर पीपल सफर्स फ्रॉम स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड हंगर। तो इसका जो रिजल्ट है, इस सिचुएशन का जो रिजल्ट है वो किसमें है? सूखा या अकाल, सूखा या अकाल वाली कंडीशन आने लगेगी। और जिसके कारण आप क्या कहोगे सर, जिसकी कमी पानी या और पानी और किसकी भोजन की जो कमी है तो आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर है? सॉरी, देशबंधु, बिल्कुल सही कहा आपने, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, क्या करें, इंसान समझने को राजी नहीं है। बिल्कुल हेलो, हमने कहा सर प्लांट टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड गिव्स एक्सहेल ऑक्सीजन, बट लेस नंबर ऑफ ट्री लीड्स एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फियर। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड लेवल ऑफ पॉपुलेशन ऑन अर्थ। तो आपने कहा सर आपका जो प्लांट है, प्लांट का सबसे बेहतरीन काम क्या है सर? ये सफाई का काम करते हैं। सर सफाई का काम कैसे करते हैं? सर आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, और सर जो आपको ये भी पता होगा कि सर जो प्लांट है आपके पादप है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और सर आपको ये भी पता होगा कि जो फोटोसिंथेसिस किया जाता है, इस फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या करते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड को तो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो ये वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और हवा को साफ करते हैं और वहां पर नई ऑक्सीजन छोड़ते हैं। समझ में आया? तो जिससे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बराबर रहे, जो लेवल है वो बराबर रहे। आप जो गंध फैलाते हो ना सर, गाड़ी चला के, सांसों के थ्रू, या लकड़ियां जला के, चूल्हा जला के जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हो सर, उसको मेंटेन करता है, उसको बढ़ने नहीं देता, नहीं तो आप सांस ही नहीं ले पाओगे हवा में। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा, ठीक है, तो दिल्ली के अंदर आपका जो लेवल, गैसेस का लेवल देखा होगा आपने, तो वहां पे सांस नहीं होगी, पेड़ ही नहीं है वहां पे, ठीक है, कंक्रीट का जंगल खड़ा है। जब हर जगह देखोगे तो आप बिल्डिंगे बिल्डिंगे दिखेंगे, पेड़ आपको नजर ही नहीं आते, दूर दूर तक, किलोमीटरों तक आपको एक पेड़ की छाया नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस होती है। तो ये प्रदूषण के स्तर को क्या करता है, और आपके जो तापमान को आप देखोगे कि तो जंगल के अंदर टेम्परेचर है, वहां पर आप खेतों के अंदर बचपन में खेलते थे, वहां पर खाद डाल के आराम से पेड़ के नीचे सो जाओ, किसी कूलर एसी की जरूरत नहीं है। सिटी में जाओगे तो एसी लगे हुए तो भी आपको गर्मी लग रही है, तो वहां पर जंगल ही नहीं है। तो आप क्या कहोगे सर, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इनके बिना, ठीक है। तो टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। इंक्रीज टेम्परेचर अल्टर द वाटर साइकिल एंड लीड्स टू रिडक्शन ऑफ रेनफॉल। दिस रिजल्ट इज अकरेंस ऑफ ए सिचुएशन कॉल्ड ड्रॉट। तो आप क्या कहोगे सर, ये जो तापमान फिर बढ़ गया है, वनों की कमी के कारण जो तापमान बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, ये पानी का जो चक्र है वो बदल जाता है। आपने जो मानसून का चक्र है ना, बंगाल की खाड़ी से मानसून यहाँ पर आता है, ये चक्र है, फिर बहकर पानी वापस बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो चक्र है वाटर साइकिल कहते हो आप इसको, तो ये वाटर साइकिल टेम्परेचर के कारण क्या होता है, इसका रास्ता बदल जाता है। और रास्ता बदल जाएगा, मान लीजिए मानसून अभी राजस्थान होके निकल रहा है, राजस्थान होके नहीं निकला, ये कहीं और से निकल गया, तो राजस्थान में क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। तो अगर ये रास्ता बदल गया मानसून का, ये चक्र बदल गया, वाटर साइकिल बदल गया, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सूखा आने की कंडीशन, बारिश कम होगी और सूखा आने की कंडीशन हो जाएगी, ड्रॉट, भुखमरी हो जाएगी, अकाल हो जाएगा, ये कंडीशन हो सकती है। समझ में आ रही मेरी बात? लेजर नंबर ऑफ ट्री रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल व्हिच इन टर्न एक्सपोज अ लोअर पोर्शन ऑफ सॉइल व्हिच इज हार्ड रॉकी कंटेन लेस ह्यूमस एंड इट्स लेस फर्टाइल। दिस वे ए फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड टू ए बैरन लैंड, दिस इज कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन या डेजर्टिफिकेशन आप कह सकते हो, ठीक है। तो आपने कहा कि जैसे ही आपके यहाँ पर क्या होंगे, कम हो जाएंगे। देश बंधु सर आपकी तबियत ठीक नहीं है क्या आपकी? हाँ बेटा, थोड़ी सी तबियत खराब है, मतलब थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, जुकाम वुकाम की कंडीशन हो रही है थोड़ी सी, बाकी सब ठीक है। जैसे ही वनों की कमी हुई, पेड़ों की कमी हुई, पेड़ों की कमी के फलस्वरूप क्या होगा, आपकी जो परत है ना, मिट्टी की सबसे ऊपर वाली परत, जिसे जैसे जितने भी किसान होंगे जो गांव से जुड़े हुए हैं, मेरी क्लास में बैठे होंगे, वो लोग जरूर जानते होंगे इसको। तो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है ना सर, वो सबसे क्या होती है, फर्टाइल, सबसे उर्वरक होती है, सबसे अच्छी होती है सर वो परत। तो जैसे जैसे जो पेड़ है, वो पेड़ क्या अगर गायब हो रहे हैं, तो वो ह्यूमस, ये ह्यूमस कहा जाता है उस परत को, काली काली परत होती है जो सबसे फर्टाइल है, सबसे उपजाऊ होती है, वो परत चली जाती है। और वो परत चली गई ना, उस परत के
जाने के वजह से आपकी मिट्टी में जल धारण क्षमता, जल नमी जो है वो गायब हो जाएगी और आपकी मिट्टी कैसी हो जाती है, शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है और कम उपजाऊ हो जाती है। कम उपजाऊ होने के कारण उसको आप क्या कहते हो, बंजर कहते हो। क्या कहते हो, बंजर। और बंजर हो जाएगी तो वहां पर किसी भी टाइप के प्लांट, किसी भी टाइप की फसल, ऐसी कोई चीज वहां पर नहीं उगती है। तो आप क्या कहोगे कि ये प्रक्रिया वहां पर मरुस्थलीकरण पैदा कर सकती है। मरुस्थलीकरण में देखा होगा आपने जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, हनुमानगढ़, ठीक है, इस तरफ आपने देखा होगा मरुस्थल। दूर दूर तक कोई पौधा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो वो जो लैंड, उसमें ह्यूमस नहीं है, उसमें पानी ही नहीं है, पेड़ नहीं है। तो आप क्या कहोगे, सर वो बंजर है। वो क्या है, बंजर है। तो बंजर, बैरन लैंड कहते हैं इसको, बंजर को, ठीक है, बैरन लैंड, बंजर। तो ये मरुस्थलीकरण की प्रोसेस, थोड़े दिनों बाद वो चारों तरफ से एक मरुस्थल में बदल जाएगा। समझ में आया, बस यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो आपने कहा सर जब आप पेड़ों को काट देते हो, जो निर्वनीकरण की जो प्रक्रिया है, उससे आपकी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, जैसे आपकी धरती में पानी है या नहीं है, तो वो पानी की जो पकड़ है वो खत्म हो जाती है मिट्टी में, ठीक है। ड्यू विच इन टर्न रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ वाटर टू द लोअर ग्राउंड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द ग्राउंड, रिजल्टिंग इन इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्लड। तो आपने कहा कि सर उस दौरान क्या होगा, जल धारण क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण जमीन के ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से में पानी की आवाजाही कम हो जाती है। तो आप क्या कहोगे, ऊपर की तरफ जो पानी है वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, रिस के नीचे की तरफ नहीं आएगा। सूखी है ना, सूखी जमीन, सूखी जमीन पर एकदम से आप पानी डाल दो तो बह के निकल जाएगा अंदर की तरफ। लेकिन हल्की सी अगर नम है, अगर जमीन अगर थोड़ी सी नम है, तो वहां पर क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब होता है, पानी एब्जॉर्ब नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, जैसे बरसात हुई तो पानी रिस के धरती में आ गया, तो ग्राउंड का जो वाटर लेवल है, आपकी जो धरती का पानी, उसका स्तर भी बढ़ेगा और बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर बिल्कुल शुष्क है तो पानी नीचे की तरफ नहीं आता और ऊपर से ही बह के निकल जाता है। और ऊपर से बह के निकलेगा तो आप क्या कहोगे, सर ऊपर से बह के निकल गया तो बाढ़ आने के चांसेस, बरसात बरसेगी, रिसेगा तो है नहीं नीचे, और तेजी से बहेगा, और तेजी से बहेगा तो एकदम से चारों तरफ से पानी आएगा और बाढ़ आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्लोरा एंड फोना, ये था आपका डिफोरेस्टेशन मतलब निर्वनीकरण, की पेड़ अगर काटोगे तो क्या क्या हो सकता है, निर्वनीकरण में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब बात करते हैं फ्लोरा और फोना। बहुत लोगों ने सुना होगा फ्लोरा और फोना के बारे में, और बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको एक बार पता होना चाहिए व्हाट इज फ्लोरा और व्हाट इज फोना। ये आगे आने वाले टाइम पे काम आएगा, ये आगे आने वाले टाइम पे जब इकोलॉजी में पढ़ाऊंगा आपको डिटेल के अंदर, उस दौरान आपको काम आएगा कि व्हाट इज फ्लोरा एंड व्हाट इज फोना, ठीक है। तो देखिए, याद कीजिए फ्लोरा और फोना का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक तरीके से समझा देता हूँ। ये मान लीजिए कोई भी जगह है, ये मान लीजिए कोई दूसरी जगह है, ठीक है। तो इस जगह में बेटा, इस जगह में जितने टाइप की वनस्पति आपको मिलेगी, वनस्पति का मतलब जितने टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, गाजर मिल रहा है, मूली मिल रहा है, आम मिल रहा है, अमरूद मिल रहा है, कितनी टाइप की स्पीसीज, प्लांट की जातियां, प्लांट पादप की जितनी जातियां यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, जितनी जातियां यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, वो सब क्या कहलाती है, फ्लोरा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, फ्लोरा। समझ में आया, एक किसी पर्टिकुलर रीजन, एक किसी निश्चित क्षेत्र में मिलने वाली पादप की प्रजातियां, पादप की प्रजातियां क्या कहलाती है, फ्लोरा कहलाती है, फ्लोरा। जैसे मैं कहूँ जयपुर में क्या फ्लोरा है, या मैं कहूँ कि जैसे हनुमानगढ़ का क्या फ्लोरा है, मैं कहूँ कि आपका जैसलमेर का क्या फ्लोरा है, आपके गांव का क्या फ्लोरा है, तो आपके गांव में निश्चित कितने प्रकार के पेड़ हैं, सोचना कभी आप। तो आप बोलोगे सर मेरे गांव में सर एक तो खेजड़ी ज्यादा है, सर एक नीम ज्यादा है, सर एक शीशम भी मिल जाता है, सर आड़ू भी मिल जाता है, सर इसके अलावा और क्या मिलता है, मेरे गांव की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो ये मेरे गांव का क्या है, ये मेरे गांव का फ्लोरा है, ये मेरे गांव का क्या है, फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब क्या है, एक निश्चित भूभाग में मिलने वाली पादप की जातियां, कि कितने प्रकार के पादप मिलते हैं। तो आप सोच सकते हो और मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपके गांव में कौन कौन से फ्लोरा मिलते हैं। तो आगे से जब मैं फ्लोरा की बात करूं, तो इसका मतलब समझ जाना कि उस एरिया में मिलने वाले पादप की जातियां, पादप की जातियां कौन कौन सी है, उसी को आप क्या कहते हो, फ्लोरा कहते हो। फोना की बात करें, सेम, बिल्कुल सेम। मैं बोलूं आपके गांव के पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, सर हमारे, सर हमारी मारवाड़ी में बताता हूँ, रोजड़े मिलते हैं सर, रोजड़े जानते हो क्या, नील गाय, रोजड़े बोलते हैं हमारे, रोज बोलते हैं उनको, ठीक है।
सर रोज मिलते हैं सर, हमारे गांव में हिरण भी मिलते हैं कभी कभी, ऐसे घूमते घूमते जंगल की तरफ से आ जाते हैं, हिरण भी मिलते हैं सर, गाय मिलती है सर, भैंस मिलती है सर, इसके अलावा ऊंट मिलते हैं सर, कुत्ते सर, हमारे गाँव में उसको गंडक कहते हैं, गंडक भी मिलते हैं। तो ऐसी एनिमल्स मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सर इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जितने भी एनिमल की स्पीसीज मिलती है, हम कहेंगे सर जंतु, जंतु की जातियां मिलती है, उनको आप क्या कहते हो सर? उनको आप कहते हो फोना। क्या कहते हो? फोना। तो मैं आपको, आपसे पूछूं कि आपके एरिया का फोना बताओ, तो जितने भी टाइप के एनिमल्स मिलते हैं ना, सब उडेल दो से बात करते हैं। तो समझ में आया फ्लोरा और फोना? फ्लोरा और फोना समझ में आया? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जो समझ आ रहा होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कमेंट करके तो बता दो। भाई सो गए क्या? तबीयत तो मेरी खराब है, आप तो ठीक हो? ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ये मैंने मेरी तरफ से समझाया बोनस आपको। द नेचर हैज वेरियस स्पीसीज लिविंग ऑन इट। सर ये किताब कह रही है कि सर आपकी धरती पर जो है बहुत सारे स्पीसीज, बहुत सारी विभिन्न जातियां देखने को मिलती हैं, बहुत सारी जातियां देखने को मिलती हैं। द प्लांट एंड एनिमल बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक रीजन आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट रीजन। आपने कहा किसी भी क्षेत्र से, एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित पौधा और जानवर उस क्षेत्र का फ्लोरा और फोना कहलाता है, मतलब वनस्पति या जीव कहलाता है। तो फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति, और फ्लोरा का मतलब वनस्पति, और फोना का मतलब जीव होता है। बस यही चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, द एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड फोना ऑफ द रीजन। मैं कहूँ सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में बाघ मिलते हैं, ठीक है, घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार में आप जितने भी एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है, होता है ना ऐसा। जैसे मैं बोलूँ शिमला, तो शिमला में आपने लंबे लंबे पेड़ देखे होंगे बड़े बड़े से देवदार के, तो वो वहां का क्या है? फ्लोरा है। वो वहां का क्या है? फ्लोरा है। मैं कहूँ कि पॉलर बियर, पोलर एरियाज में पोलर बियर मिलते हैं ना, भालू, सफेद भालू, वो वहां का क्या है? फोना है। वो वहां का क्या है? फोना है। बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। द प्लांट ऑफ दैट रीजन और कॉल्ड द फ्लोरा ऑफ द रीजन, आपने कहा उस क्षेत्र का पौधा, उस क्षेत्र की क्या कहलाता है? वनस्पतियां या फ्लोरा कहलाता है, फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा, बस यही। मनोज ओके, यस कह रहे हैं मनोज, ओके समझ में आया मनोज मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं स्पीसीज एंड इट्स टाइप। स्पीसीज का मतलब होता है बेटा जाति व इसके प्रकार, ठीक है। जाति क्या होती है? जाति, आप अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो सर कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाली जाति सर, इस क्षेत्र में पाए जाने वाली पादप जाति सर, इस क्षेत्र में पाए जाने वाली जंतु जाति, एनिमल स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज, सर ये जाति क्या है पहले तो ये बताओ, ठीक है। हमारे साथ जाति हो रही है, ये हमको समझ नहीं आ रहा है ये जाति क्या है, जाति क्या है और सर इसके प्रकार क्या है। तो जाति का मतलब ये है कि आप कहो कि एक जनसंख्या का ऐसा समूह, जनसंख्या समान, समान जीवों का, हम कहेंगे सर समान जीवों का समूह, सर एक ग्रुप है बिल्कुल एज इट इज, सेम सेम एनिमल्स हैं, सेम सेम प्लांट्स हैं, जो आपस में मिल बांट के सारा काम कर लेते हैं, जनन भी कर लेते हैं, साथ में रह भी लेते हैं, कॉलोनीज में रह लेते हैं। जैसे मैं बात करूं मानव है, तो आपने देखा कि मैंने बोला ना एक समान प्रकार के जीव जो कि आपस में जनन कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आदमी आदमी बच्चे पैदा कर सकता है, ऐसा तो नहीं सुना आपने, आदमी और बंदर बच्चे पैदा कर रहा है, आदमी कुत्ते बच्चे पैदा कर रहा है, सुना तो नहीं आपने कभी, ठीक है। कोशिश बहुत सारे लोगों ने की है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। बोलो सर हमारे पास एक अपवाद है, सर हमारे पास एक अपवाद है, कहा जाता है सर कि एक गधे का दिल आ गया था सर एक घोड़ी पे, और सर दोनों स्पीसीज दोनों अलग अलग है, और उनका बच्चा हो गया सर खच्चर, ये दोनों तो सर अलग अलग स्पीसीज है। तो बेटा गलती से कभी ऐसा हो जाए कि दो स्पीसीज अलग अलग जनन कर ले और उनकी कोई भी संतति सरवाइव कर जाए, पहली बात तो सरवाइव ही नहीं करती है, बहुत सारे बैरियर होते हैं, ठीक है, मेटिंग नहीं होती, अगर मेटिंग हो जाती है तो निषेचन नहीं होता, क्योंकि उनका स्पर्म और उनका जो ओवम है वो अलग अलग टाइप का, अगर वो भी हो गया, निकट जातियां जैसे आपकी कहेगी, हम निकट है बंदर के, शेर निकट है बिल्ली के, गधा निकट है घोड़ी के, ठीक, कुत्ता निकट है सियार लोमड़ी के, ये कुछ निकटतम जातियां होती है आपस में, समझ में आ रहा है। जैसे सांप और आपके सांप की मौसी रिलेटेड है, मतलब आप, तो इनके बीच अगर जनन अगर हो भी गया, पहली बात तो होगा ही नहीं, अगर हो भी गया और संतति भी पैदा हो गई,
संतति पैदा नहीं होगी। अगर संतति भी पैदा हो गई तो वो संतति सरवाइव नहीं कर सकती। सरवाइव का मतलब वो आगे जन्म नहीं कर पाएगी। तो आपने देखा होगा जो खच्चर है, खच्चर आगे शादी ब्याह थोड़ी ना करता है, या दूसरी खच्चरी पैदा थोड़ी ना होती उसके साथ अपनी जिंदगी आराम से गुजार ले। तो जो खच्चर जो म्यूल है वो कैसा होता है, नपुंसक होता है, वो स्टेराइल होता है, वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है आगे। समझ में आ गया बेटा, जिंदगी में आ तो गया खच्चर, लेकिन बस माल ही ढोएगा, और कुछ नहीं कर सकता आगे। ठीक है, तो उसका कोई करियर नहीं है भाई साहब आगे, तो फालतू पैदा हो गया वो। बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि दो ऐसे समान समान जीव जो आपस में जनन कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, साथ रह सकते हैं, वो क्या कहलाती है, समान जाति कहलाती है। क्या कहलाती है, समान जाति। जैसे होम्योसेपियंस होम्योसेपियंस के साथ ही जनन कर सकते हैं, कुत्ता कुत्ते के साथ ही कर सकता है, इस तरीके से। समझ में आया, तो ये चीज है। तो होम्योसेपियंस जैसे प्राइमेट्स, जैसे आपके बंदर है, बंदर के साथ नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक है, तो वो क्या है, अलग जाति हो गई, अलग जाति हो गई। हालांकि फैमिली एक ही है, फैमिली एक ही है, लेकिन जाति अलग अलग हो गई। तो आप एनसीईआरटी में क्या लिखते हो इसके लिए, द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन इंटरब्रीड एंड आर कैपेबल टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस ओनली विद मेंबर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड स्पीसीज। तो मैंने कहा जनसंख्या के समूह जो आपस में जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं मतलब यहाँ पर जनन करना है, जो जनन करना है जनन कर सकते हैं, और अपने युवा लोगों को जन्म देने में सक्षम है, मतलब अपने यंग वन को क्या कर सके, बर्थ दे सके, जन्म दे सके। केवल उनकी संबंधित प्रजातियों के सदस्य के पास सामान्य विशेषताएं हैं जिन्हें आप प्रजाति कह सकते हो। तो समान गुणों वाले ऐसे जीव, समान संरचना रखने वाले ऐसे जीव जो कि आपस में क्या करते हैं, जनन कर सकते हैं, जाति कहलाती है। समझ में आई। अब जातियां कितने प्रकार की होती है, न जाने कितने प्रकार की जातियां। तो अब अगर मैं कहूं द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट कैन बी फाउंड ओनली इन ए स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, तो आपने जैसे बीमारी के बारे में पढ़ा होगा ना, एंडेमिक होती है, पैनेडेमिक होती है। एंडेमिक मतलब किसी क्षेत्र में, पैनेडेमिक मतलब महामारी, जैसे कोरोना क्या है, पैनेडेमिक है, इस तरीके से सुना है ना आपने। तो एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, एंडेमिक स्पीसीज का मतलब ये है कि मान लीजिए द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट कैन बी फाउंड ओनली ए स्पेसिफिक रीजन। एक ऐसा कोई भी जंतु या ऐसी कोई भी जाति जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में ही रहती है, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में ही रहती है और कहीं नहीं पाई जाएगी। जैसे मैं कहूँ यार ऊंट है, मान लीजिए ऊंट है, तो राजस्थान का स्पेसिफिक है। आप कहो कि जाके शिमला के अंदर ऊंट मिलेगा क्या, तो नहीं मिलेगा शिमला में ऊंट। मैं कहूँ कि जैसे कश्मीर में पाए जाने वाली एक वो वूल वाली ऊन वाली जो भेड़ भेड़ होती है, कौन सी भेड़ होती है, आई डोंट नो, नाम मुझे पता नहीं है उसका, वो भेड़ आप राजस्थान में मिलती है क्या, बोले सर नहीं मिली, वो पर्टिकुलर उसी रीजन में मिलेगी। मैं बोलूँ देवदार का पेड़ है, देवदार का पेड़ आपको राजस्थान में मिलेगा क्या, ठीक है, बोले नहीं मिलेगा सर। आसाम के अंदर केरला में मिल जाएगा, बोले नहीं मिलेगा सर, वो देवदार का पेड़ ठंडे इलाकों में मिलता है, कॉनिकल ट्रीज जो होते हैं वो सर वहीं वहीं मिलेंगे ठंडे में ही। ठीक है, लेह लद्दाख में तो कुछ मिलता ही नहीं, खैर तो ठंडे इलाकों में मिलेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल ये चीज आपको यहाँ पर देखने लायक है। तो ये जो चीजें हैं जो पर्टिकुलर किसी एरिया में मिलती है, ऐसी जातियां जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में ही मिलती हैं, उनको क्या कहा जाता है, एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। समझ में आ गया एंडेमिक का मतलब, समझ में आया एंडेमिक का मतलब। भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों जो भी जुड़ी हुई हैं, वैसे बहुत कम जुड़े हुए हैं, सो गए हैं सब, समझ में आया, चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें तो ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, राइनोसोरस आपने देखा होगा, नीलगिरी, नीलगिरी ताहर, बंगाल टाइगर्स, लॉयन है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके एनिमल्स हैं। तो आपने बहुत लॉयन देखे, तो हर जगह पूरी दुनिया में तो नहीं है लॉयंस, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में है। जैसे आप गुजरात के गिर में चले जाओ, सवाई माधोपुर में चले जाओ, ठीक है, या फिर आप कहेंगे सर कोई पर्टिकुलर पक्षी है, जैसे घना पक्षी बिहार में मिल रहा है वही मिलेगा, सर पर्टिकुलर कोई सांप की प्रजाति है वही मिलेगी, जैसे कोबरा इंडिया में मिलता है तो इंडिया में मिलेगा। तो आपने कहा कि सर ये एंडेमिक एंडेमिक एनिमल्स है, ये क्या है, एंडेमिक, पर्टिकुलर किसी स्थान के ऊपर ही मिलते हैं, अलग अलग जैसे नहीं कि हर जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये एंडेमिक स्पीसीज है, ये अपने आप में क्या है, एंडेमिक स्पीसीज है, स्थानिक प्रजातियां हैं, ये क्या है, स्थानिक प्रजातियां हैं। बस यही समझाने की कोशिश आपको हो रही है। दूसरी बात, द स्पीसीज ऑफ प्लांट, स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हुज नंबर इज रिड्यूसिंग टू लेवल वेयर दे मे नो मोर एग्जिट इन नेचर आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड, ठीक है, ब्लैक बक, इंडियन बिजन, ठीक है, और इसके अलावा सम ऑफ द अदर फोना ऑफ इंडिया हुज नंबर इज डिमिनिश्ड टू ए लेवल आफ्टर विच दे मे गेट एक्सटिंक्ट। ठीक
है, तो आपने कहा कि सर यहाँ पर एंडेंजर्ड लुप्त प्राय प्रजाति कौन सी होती है, तो दीज स्पीसीज, ऐसी ऐसी स्पीसीज जो पौधे और जानवर की प्रजातियां जिनकी संख्या एक स्तर से कम हो रही है, जिन्हें प्रकृति में, जो प्रकृति में नहीं रह पा रहे हैं, नहीं रह सकते हैं, उन्हें लुप्त प्रजाति कह सकते हैं। जैसे बंगाल टाइगर है, ठीक है, स्नो लेपर्ड है, ब्लैक बग है, ब्लैक बग, इंडियन बाइसन, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पादप है जो विलुप्ति होने के कगार पर है, इनको क्या कहते हैं आप, एंडेंजर्ड या लुप्त प्राय जाति आप नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप जब पूरा धुआंधार तरीके से इकोलॉजी पढ़ोगे, इकोलॉजी के अंदर मैं आपको एक किताब पढ़ाऊंगा, रेड लिस्ट, एक रेड डाटा लिस्ट बुक होती है, रेड डाटा लिस्ट बुक, नाम आपने सबने सुना होगा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, IUCN, IUCN का नाम सुना होगा। तो हमने क्या किया कि बहुत हजारों सालों से इस पृथ्वी का दोहन किया, इस शोषण किया, ठीक है, दबा के खा गए हर चीज को, ठीक है, जब सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर देने के बाद याद आया, अरे यार हम तो सब कुछ खा गए, तो आने वाली पीढ़ी को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, अब याद आया हमको इतने दिनों बाद, हम तो देख रहे हैं भाई साहब कि शेर वेर ये सब तो लुप्त हो जाएंगे, हम तो उनको यूट्यूब वीडियो में भी नहीं दिखा पाएंगे कि कैसा होता शेर। तो जल्दी जल्दी ऐसा करो कि दो चार जो बच्चे हुए ना, उनको फॉर्मेलिटी करो इन लोगों को बचाने की, ठीक है, इनको क्या करो, कंजर्वेशन दे दो थोड़ा सा, ठीक है, तो जो जिनकी संख्याएं बहुत ज्यादा कम हो चुकी है ना, एक ऐसी किताब विताब बना दो जिसके अंदर वैसे से इनकी लिस्ट बना दो कि जो खत्म ही हो गया उसको अलग रख दो, जो खत्म होने के कगार पर है उसको अलग लिख दो, जो ऑलमोस्ट अब खत्म होने के कगार पर, मतलब अब खत्म होना शुरू हो गया है, उसको इस लिस्ट में रख दो, और जिनको अब लगता है कि हाँ अब इनकी संख्या इस हद तक कम हो गई कि अब इनको बचाने की कोशिश हमको करनी चाहिए, ठीक है, उसको इस लिस्ट में रख दो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने नाम दे दिए, ठीक है, उस लिस्ट को आप क्या कहते हो, रेड डाटा लिस्ट, रेड डाटा लिस्ट कहते हो आप, ठीक है, ये IUCN ने बनाई थी सबसे पहले, तो उसके अंदर हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में जो ये आपके एग्जाम्पल दिए ना, बंगाल टाइगर वगैरह सब, ठीक है, स्नो लेपर्ड वगैरह, ये देखो ये आपके, ये इंडियन ब्लैक बग, और आपको यहाँ पर पैंथर दिख रहा है, स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट नो मोर एग्जिस्ट इन नेचर ड्यू टू अनसुटेबल हैबिटेट और कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, तो पौधे और जानवर जो कि आज के निवास के हिसाब से या तो बेचारे खुद ही विलुप्त हो गए, बोला भगवान इन हरामखोरों के बीच से हमको उठा ले, हमको यहाँ पर नहीं रहना, तो जिसकी आज एक भी मेंबर आज इस धरती पर नहीं बचा है, वो क्या हो गया, विलुप्त कहलाता है, वो क्या कहलाता है, विलुप्त कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ जानवर है जो आज इस धरती पर बिल्कुल नहीं है, या तो वो पर्यावरण के कारण नहीं है, उनको पर्यावरण सुटेबल नहीं मिला, या फिर इंसान ने खुद उनको खत्म कर दिया। तो देखो NCERT में लिखा हुआ, इंसान ने खुद को तो ब्लेम किया नहीं है, इंसान ने खुद को तो ब्लेम किया नहीं कि हमने खत्म कर दिए, लेकिन हमने तो नेचर पे डाल दी कि बेचारे वो है ना अनसुटेबल हैबिटेट की वजह से मर गए, लेकिन मैक्सिमम जितने भी एनिमल्स हैं या मैक्सिमम जितने भी प्लांट्स हैं वो हमारे चक्कर में खत्म हुए धरती से, ठीक है, तो उसका वन एंड ओनली रेस्पॉन्सिबल कौन है, ह्यूमन है, कौन है, ह्यूमन है, ठीक है, लेकिन हमने तो ली नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमने तो डाल दिया कि भैया हैबिटेट जो है, आवास जो है वो सुटेबल नहीं था, इसीलिए वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए सर, ठीक है, जो भी हो वॉट एवर, ठीक है, तो हम तो किताब में लिखा हुआ वही मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि आवास के कारण खत्म हो गए वो, जैसे डायनासोर्स का अगर नाम ले हम, डायनासोर्स जो है, तो डायनासोर्स जो है वो आपके किस कारण खत्म हुए वो मतलब नहीं, डायनासोर्स खत्म हो गए, विलुप्त हो गए, तो आज के टाइम पर हम क्या कहेंगे, डायनासोर नहीं है, विलुप्त है, तो आप क्या होगी, ये स्पीसीज कैसी है, एक्सटिंक्ट है। तो ये मैं प्रकार बता रहा हूँ आपको जातियों के, कि कितनी प्रकार की जातियां होती हैं, कितने प्रकार की जातियां, तो स्पीसीज एंडेंजर्ड हो गई है, ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा था आपको जो भरपूर मात्रा में मिलती है, इसके अलावा फ्लोरा और फूना, इसके अलावा ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो गई, तो हम देखो कुछ एग्जाम्पल है जो पूछा जा रहा है लगातार कि विलुप्त हो चुकी जातियों के नाम बताइए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन ऑरेंज, इंडियन ऑरेंज, ठीक है, एक्सिवेथेरियम हो गया, ठीक है, सुमात्रन गेंडा हो गया, सुमात्रन गेंडा, राइनोसोरस हो गया, इसके अलावा पिंक हेडेड डग हो गया, पिंक हेडेड डग जिसकी पिंक हेड होती है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे आपके एनिमल्स हैं जो कि यहाँ से गायब हो चुके हैं, जो यहाँ से गायब हो चुके हैं एनिमल जो है, आर्कियोपटरेक्सी पटरेक्स ऐसा कुछ होता है, एक और दांतों वाला पक्षी होता था वो भी विलुप्त हो गया है, ठीक है, मैमथ था एक हाथी जैसा एनिमल, वो भी लगभग विलुप्त हो चुका है, उसका हमको एक जीवाश्म मिला था, एक फॉसिल मिला था बर्फ में दबा हुआ,
ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल पता नहीं कहाँ मिला था, या फिर साइबेरिया में मिला था, कहीं मिला था, मैमथ जो है, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो स्पीसीज है वो गायब हो चुकी है, ये स्पीसीज गायब हो चुकी है, ब्लैक हेडेड डक हो गया, और ये आपका राइनासोरस हो गया सिंगल हेड वाला, ठीक है, ये आसाम के अंदर मिला करता था, ये खत्म हो गया, और ये भी आपकी खत्म हो चुकी है, इंडियन बाइसन फुल है ये, ठीक है, बैल होता है ये, बैल, ये भी खत्म हो चुका है, ठीक है। जो एनिमल्स लुप्त तो हो जाते हैं उनको किस बुक में ऐड किया जाता है बेटा देशबंधु? ये जो है रेड डेटा लिस्ट, ये जो बुक है ना, इसी बुक में अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पीसीज या जाति की जो है लिस्ट होती है, जैसे बहुत ज्यादा संख्या विलुप्त हो गए वो भी इसी में आएंगे, विलुप्त हो गए वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आ जाएंगे, विलुप्त जाति में आ जाएंगे, जिनकी संख्या बिल्कुल खत्म हो चुकी है वो एंडेंजर्ड में आ जाएंगे कि खत्म होने वाली, बस विलुप्त होने के कगार पे ही है, ठीक है, इस तरीके से आपने कहा। तो इस तरीके से रेड डाटा लिस्ट जो बुक है, इसी के अंदर ये बनाई किसने थी? IUCN ने बनाई थी, IUCN इंडियन इंडियन, तो ये इंडियन इंटरनेशनल। धर्मवीर जी, जय माता जी की, हम कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अकेडमी पर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म भी आपको आपको बता दिया जाएगा। ये अंतरराष्ट्रीय संघ है आपके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाला, ठीक है, तो रेड डाटा लिस्ट के अंदर आएगी देशबंधु ये सारी की सारी। चलो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन और वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करते हैं? तो द फ्लोरा एंड फोना ऑफ ए रीजन आर द पार्ट ऑफ नेचर। तो आपने कहा कि किसी निश्चित क्षेत्र में उगने वाले पादप सर फ्लोरा कहला रहे थे, और वहां पर होंगे सारे एनिमल्स वो फोना कहलाएंगे, तो वो अपने आप में सर एक भाग है, वो पार्ट है नेचर का, वो क्या है? नेचर का पार्ट है। दे मेंटेन ए बैलेंस इन द फूड चेन ऑफ नेचर। तो आपकी जो फूड चेन के बारे में मैं बताऊंगा, श्रृंखला के बारे में, खाद्य श्रृंखला के बारे में बताऊंगा, वैसे तो मैं बता चुका 6-7 क्लास के एनसीईआरटी में बता चुका हूँ आपको, लेकिन आगे आगे और बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा फूड चेन के अंदर अगर इनमें से, इन फ्लोरा और फोना में से एक जाति भी अगर लुप्त हो जाती है, एक जाति भी लुप्त हो जाती है, तो इस पृथ्वी का, इस नेचर का संतुलन बढ़ाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये बैलेंस नहीं बन पाता है, ठीक है। बैलेंस जो आपका बना हुआ है नेचर में, ये बैलेंस क्या हो जाता है? गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो समझ में आया, फूड चेन इज ए सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। द फूड चेन बिगिंस विद ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर एंड विद द कंजप्शन ऑफ फाइनल एनर्जी बाय द हेटरोट्रॉप्स कंज्यूमर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। तो मैं एक बार थोड़ा सा साइड स्लाइड पे चलता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है, एग्जैक्ट आपकी लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। धर्मवीर जी कह रहे हैं कि सर कल 11 बजे ट्विटर पर आ रही है बेरोजगार की सवारी। ओके, वैसे मैं ट्विटर चलाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं देख लूंगा कि क्या है, ठीक है। मैंने कुछ देखा तो कुछ बच्चों का स्टेटस भी देखा है, मुझे पता नहीं बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है एग्जैक्ट क्लासेस में, और मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने देखा ही नहीं कि हो क्या रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। तो मैं देखता हूँ धर्मवीर जी, तो हमने कहा कि सर यहाँ पर इस जगह पर आप क्या कहें, क्या कहें कि फूड चेन क्या होती है? पहले तो मैं ये बता दूं कि बेटा फूड चेन का मतलब होता है कि इस धरती के ऊपर दो टाइप के जीव होते हैं, दो टाइप, ध्यान से सुनना, इस धरती पर दो टाइप के जीव जीव होते हैं, एक तो होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर, ठीक है, या हम कहें कि सर ऐसे मत कहो, आप ऐसे कह दो कि एक तो होता है हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, और एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है ऑटोट्रॉफ, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ। क्या कहे कि सर हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है बेटा स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे हरे पादप, जैसे हरे पादप, और ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है परपोषी, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, जिनको परपोषी कहा जाता है, जैसे मानव है या जितने भी जंतु हैं, जो तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है भोजन के लिए, पादपों पर डिपेंडेंट है। तो एक तो चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इस धरती पर भोजन कौन बनाता है, सर हमारा भोजन तो हमारी मम्मी बनाती है, ठीक है भाई, हमारी मम्मी भोजन बनाती नहीं है, हमारी मम्मी भोजन पकाती है, बनाता तो कौन है? प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट, आप मंडी से सब्जी उब्जी लाते हो, उस मम्मी उसको पकाती तो है, पकाती तो मसाला वसाला डाल के, ऐसा तो नहीं सब्जी गोभी खुद मम्मी बना देती है, ऐसा नहीं होता, तो गोभी को पकाती है मम्मी, है ना। धर्मवीर जी कह रहे हैं सर प्लीज सपोर्ट, बिल्कुल श्योर धर्मवीर जी, बिल्कुल श्योर, ठीक है, जहां पे भी स्टूडेंट के हक की बात आएगी जरूर सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑल दो आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने कहा कि सर यहाँ पर एक फूड चेन की बात कर लेते हैं, सर घास, सर घास को खाया हिरण, और हिरण को खाया
लोमड़ी ने, और सर लोमड़ी को खा गया शेर। शेर समझ में आया? तो सर घास यहां पर क्या है? सर प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब सर उत्पादक है, जो इस नेचर में खाना बनाने का काम करेगा, फूड बनाने का काम करेगा, दैट इज प्रोड्यूसर। दैट इज प्रोड्यूसर याद रखेंगे, जो इस धरती पर खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, वो प्रोड्यूसर कहलाएगा। तो इनमें से खाना कौन बना सकता है? कोई भी नहीं बना सकता, सब निठल्ले, कोई भी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। तो प्रकाश संश्लेषण आपके सन से, ये सूरज देवता है, सन से एनर्जी लेकर घास ने खाना बना दिया। अब घास को खाएगा कौन? हिरण। तो ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये भी ऑटोट्रॉफ नहीं, ये भी। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों कंज्यूमर है। ये क्या है? प्रोड्यूसर है। तो इस प्रोड्यूसर में से एनर्जी इसमें ट्रांसफर होती है, होती है नहीं होती है? एनर्जी पहले सन में से किस में आई? घास में आई या पेड़ में आई? पेड़ से फिर कहां से आ गई? हिरण में। फिर हिरण से किस में आ गई? लोमड़ी में। फिर लोमड़ी को किसने खाया? शेर ने। तो शेर में आ गई। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। ऊर्जा एक 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 जीव से दूसरे जीव में जा रही है। तो देखो ऊर्जा सूरज से घास में, और घास से कहां पर चली गई? शेर में चली गई। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा है? बोला हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। तो अब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इसी चेन को, इसी श्रृंखला, इसी सीक्वेंस को, इसी क्रम को आप क्या कहते हो? फूड चेन कहते हो। इसी क्रम को आप क्या कहते हो? फूड चेन कहते हो। बस मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला, जो मैंने अभी चेन बनाई थी वो थी खाद्य श्रृंखला, ठीक है, फूड चेन थी। तो खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के स्थानांतरण का एक क्रम है। तो क्रम है कि नहीं है? देखो क्रम है कि नहीं है? एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। घास से ऊर्जा हिरण में गई, हिरण से लोमड़ी में गई, लोमड़ी से सर शेर में गई। समझ में आया? इसके बाद हमने कहा टू फूड चेन। तो आपने कहा कि सर खाद्य श्रृंखला ऑटोट्रॉप्स मतलब उत्पादक, जैसे प्लांट, प्लांट से शुरू होता है, ठीक है। देखो आपकी जो खाद्य श्रृंखला किससे शुरू हुई है? उत्पादक से शुरू हुई है। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट मतलब जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। यहां से खाद्य श्रृंखला शुरू होती है और टॉप कंज्यूमर तक जाती है, उच्च उच्च उपभोक्ता तक जाती है। ये उपभोक्ता है लास्ट अंतिम, ठीक है, और लास्ट में अंतिम ऊर्जा की खपत के साथ समाप्त हो जाती है। अब लास्ट में क्या नहीं हो सकता? ये ऊर्जा आगे की तरफ जा ही नहीं सकती, ये ऊर्जा आगे की तरफ और नहीं जा सकती कि खत्म हो जाएगी ऊर्जा। जैसे जैसे आगे चलती जा रही है ऊर्जा खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मुद्दा फूड चेन के बारे में, और इसके बारे में हम बाकी के जो भी चैप्टर है वो हम कल बात करेंगे। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट, ये देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में भैया, ठीक है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज इस चैप्टर को इज्जत से समझाना, बिल्कुल इज्जत से समझना। जो भी डेटा है इस डेटा को नोट कर लेना, इस डेटा को प्लीज नोट कर लेना, जो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, एक डायरी में, क्योंकि एनवायरमेंट तो आपके आरएएस में आने वाली है आगे, एनवायरमेंट आपके आरएएस में आने वाली है, आपके सब इंस्पेक्टर की भर्तियां उसमें आने वाली है, आपके रीट में आने वाली है, हर जगह है एनवायरमेंट। तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एनवायरमेंट नहीं आती है, ठीक है। तो प्लीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में ये, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को टैप करो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दिलीप 10 अगर लगाओगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा और लेट तक पढ़ा था लेकिन मेरी आज हिम्मत नहीं हो पा रही है क्लास लेने की, 1 घंटा बड़ा रो रो के मैंने निकाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी आप कर ही सकते हो। खैर वो तो आप करेंगे अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो, ठीक है, अधिकार है आपका, ठीक है। थैंक यू सो